विभिन्न गांव गांव से जिला से केंद्र से सब आदमी जी आयल छी हमरा तरफ से हार्दिक हार्दिक नमस्कार। आज हमनी के देखलिए जुलूस सुनली है, हम गौर रही हमरा लेट हो गलक है, लेकिन हम फिर भी सफवा सुनली है तो हम सोने लाल जी के फोन कर लिए कि अपने के जुलूस रहे तो हमरा फिर न कहली। हम इस जुलूस में हतार में आके हमें में लास्ट में हम उपस्थिति भेली, अपने के रैली में न रही है लेकिन लास्ट में उपस्थिति भेली है, ओकरा लेल भी हम क्षमा मांगी छी। आज हम के निरंजन राम के हत्यारा बहुत ही विरमना घटना है, ए लेल आज हमनी के हत्यारा लोग के न्याय न दिलावे छी तो विभिन्न हत्यारा लोग के मनोबल बढ़ले चल जाए कि हम हत्या कैली लेकिन हमरा कुछ सजा न मिला। ए लेल हम पुलिस प्रशासन से हर आदमी से आग्रह करे छी कि हमनी के जे हत्यारा है ओकर सत्य तथ्य घटना छानबीन क के ओकरा कड़ा से कड़ा सजाए होय के लेल हम एगो मांग कर रहल छी। और अपने सब भी देखले हो हम 31 गते हम रातो पार्टी में भी न्यूज भी हलवा देले रही केंद्र में, हर चीज हमनी सब कैली लेकिन फिर भी जे आदमी निरंजन राम के हत्या भी कैले है ओकरो भी घेर ले है, जो विशेष हत्या कैले है ओकरा न घेर ले है, और जो दोषी है एक तो हत्या एक तो घर में उनका घटना हो गए उनके घर के पीड़ितों लोग को में घेर ले है काहे ला तो मुद्दा मिला पत्र करे के लेल से ए ओकरा घेरी तो हमारी निर्दोष के आदमी है दोषी है ऐसे निर्दोष के जोरे जोरे दोषी भी निकल जाए कार्रवाई न हो। ए लेल हम कोनो जाति या कोनो पार्टी के घटना न है, एक हमनी सब आदमी मनुष्य छी, सब आदमी एक हो के हमनी सब एगो एक हो के एकता बना के सब आदमी हमनी सब एक जगह कोनो न्याय के जगह पर पुगब तो शायद ही न्याय हमनी के मिलबे करते न मिलते से जरूरी न है कि न मिलते मिलबे करते। ए लेल हम आज उनका पिताजी के भी देख रहा छी तो बहुत दुख लागल है, वो जगह पर हमनियों के कोनो कोनो के बेटा हो कुछ हो जाए तो हमनियों के शायद उतने दुख लागी लेकिन उनका भी न्याय मिलना एकदम जरूरी है। अपने सब हमने सब आदमी न्याय के लागी अपने सब जहाँ खोजा वो जगह हम गोंडा नगर पालिका के हैसियत से वो उपमेयर बोले छी, अपने लोग के जहाँ हमरा खोजा वो जगह हम अपने लोग के बीच में उपस्थिति होय के लिए हम तैयार छी और हम सहयोग करे के लिए तैयार छी। और रह गए एक दलित परिवार छत उनका खद्यान के उनकर बेटा कमाए वाला भी रलन है, आज चल गया से उनका दो पैसा आमदनी के स्रोत भी रल है, वो आमदनी के स्रोत भी उनका मर गया है। एक हम उपमेयर के हैसियत से हम अपना उनका खद्यान के लिए हम 25,051 रुपया से हम उनका सहयोग करे के लिए हम 25,000 हमने सब जिला वासी से जे हमने सब इस समुदाय से सब आदमी हम सब आयल छी, ई हमने के गोंडा नगर पालिका वार्ड के 8 नंबर के घटना है, बहुत विरमना घटना है क्योंकि हमने गोंडा नगर पालिका में सबसे फर्स्ट घटना यहाँ है कि हत्या करके ओकरा मारल गेल है। वास्तव में जे हमने के एगो तुलसी राम और याल रहन DSP वो बहुत ही निमन रहल, अभी ज्ञान कुमार जी आके जे कहलथु ना हमने के कंथमुनि भाई जी कि पुलिस प्रशासन सब मिलो मतों के घेरा में रह के चापलूसी कह के एक न्याय वाला के न्याय न मिले था, जो पीड़ित न है ओकरा न्याय मिले था। ए लेल हमने सब ई DSP पर भी बहुत घोर भाषण करे छी और हमने के मीडिया के साथी लोग भी यहाँ छत मीडिया के साथी लोग हमने के एगो मीडिया नेपाल में बहुत बड़ा एगो हमने के अंग मानल जाले कि ये लेल कि हमने सब घर बैठल मीडिया द्वारा विभिन्न विभिन्न न्यूज विभिन्न माध्यम से हर बात के हमने के जानकारी मिलल है। ए लेल मीडिया के साथी लोग से भी आग्रह है कि न्यूज के एकदम ज्यादा से ज्यादा हाईलाइटेड अपने लोग करू और न्याय जहाँ जा रहा है मांगे मीडिया के साथी लोग के भी साथ देवे के लिए हम आग्रह करी छी। और साथ में अपने सब आज ही गर्मी के मौसम में आके एक पीड़ित परिवार के हमने सब देख रहा छी कि हमने के महिला सब बहुत आज काहे ला हमने सब आयल छी निरंजन नाम के हत्या के हमने सब कोनो न कोनो कर रास्ता लेबे आयल छी, ए लेल हमने के बहुत ही दुख वाला बात है। और सब आदमी ऐसा ही हमने सब एक साथ रहम तो शायद हमने के न्याय मिलबे करते आ हमने के न्याय जहाँ लेबे के होते वहाँ हमने सब एकजुट हो के एगो कदम एक कदम मिला के चलो हमने के न्याय मिलते आ न्याय लेबे करबे हमने सब। हम अपन दू सब कहते ही समाप्त करे छी, धन्यवाद।